इस वीडियो का शीर्षक है इंडियन रिवर्स सिस्टम, इंडस रिवर्स, नॉर्थ वेस्ट, रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ पंजाब, रिवर्स ऑफ इंडिया #1। इंडियन रिवर्स सिस्टम की एक सीरीज है जिसकी यह पहली प्रस्तुति है। इस वीडियो में सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों की चर्चा करी गई है। वह जम्मू कश्मीर, हिमाचल और 1947 से पहले के पंजाब से होकर गुजरती हैं। इस वीडियो में पंजाब के नक्शे पर उन्हें चिन्हित करके दिखाया जा रहा है। यह आशा की जाती है कि भारत और विशेष रूप से पंजाब के इतिहास का अध्ययन करने वालों को ये प्रस्तुति ज्ञानवर्धक लगेगी। मूल वीडियो प्री पार्टीशन पंजाब के नक्शे के प्रयोग से प्रतिपादित करी गई है। 1947 के बाद के भारत के रेखा मानचित्र पर अगर भारत की नदियों का रेखा चित्र बनाए तो जो आकृति बनती है वह यहाँ पर दाईं ओर दिखाई गई है। प्राकृति ने भारत को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का जाल प्रदान किया है जो कि भारत की संपदा और धरोहर है। अभी हम उत्तर पश्चिमी नदियों नॉर्थ वेस्ट रिवर्स की ही चर्चा करेंगे। इस रेखा चित्र में उत्तर पश्चिम में आपको 6 नदियाँ बनी दिखाई देती है। वे उत्तर से पश्चिम की ओर बहती है। इस नक्शे की मदद से हम इन नदियों का नाम जानने का प्रयत्न करेंगे। आप इस एनिमेशन में उन 6 नदियों पर ध्यान केंद्रित करें। इनमें से सबसे ऊपर वाली नदी भारत की सीमा में चीन से प्रवेश कर रही है। इसी प्रकार सबसे नीचे वाली नदी भी भारत की सीमा में चीन से प्रवेश कर रही है। शेष 4 नदियों का आगमन भारत के सीमा क्षेत्र में ही होता है। बाद में इनमें से 5 नदियां 1947 के बाद अस्तित्व में आए देश में प्रवेश कर रही हैं। यह आशा की जाती है कि आपकी दृष्टि में उत्तर पश्चिम की 6 नदियों की रूपरेखा स्पष्ट हो चुकी होगी। उन नदियों का भूखंड अलग से आपके समक्ष प्रदर्शित है। इन नदियों के इर्द गिर्द प्राचीन काल से ही मानव गतिविधि का इतिहास जुड़ा हुआ है। कालांतर में इन नदियों ने भारत एवं उसके भूखंडों को नाम प्रदान किए हैं। इनमें से 5 नदियों ने जिस भूखंड का इतिहास रचा वह भारत का गौरवपूर्ण धरोहर बना, जिसे पहले पंचनद एस पर अल बेरूनी और मुगल काल में पंजाब के नाम से जाना जाता है। 5 नदियों के आसपास मानव संघर्ष का जिस गौरवशाली इतिहास की सृजना हुई उसे पंचनद और फिर पंजाब के नाम से जाना गया, और उस भूखंड की रूपरेखा जिस रूप में उदित हुई उसकी छवि यहाँ प्रदर्शित है। साधारण वाक्यों में अब इसे पंजाब के भूखंड के रूप में जाना जाता है। इस भूखंड में वो 5 नदियां सम्मिलित हैं जिसका हमने अध्ययन करना है। अतः यहाँ पंजाब के प्री पार्टीशन नक्शे पर उन 5 नदियों का अध्ययन करेंगे। प्री पार्टीशन पंजाब के नक्शे पर इसकी 5 नदियों का जो प्रसार होता है उसकी छवि आप अब देख सकते हैं। इन नदियों का नाम हम इस नक्शे पर जानेंगे। आइए पहले इन नदियों पर अंक लगाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। एक वाली नदी सतलुज है, 2 वाली नदी ब्यास है, 3 वाली नदी रावी है, 4 वाली नदी चनाब है, 5 वाली नदी झेलम है। कुछ तुषार बुद्धि व्यूअर्स ये कह सकते हैं कि वीडियो का आरंभ तो 6 नदियों की बात से शुरू किया था पर केवल 5 नदियों की ही बात की है। तो यहाँ पर 6ठी नदी सिंधु, इंडस रिवर को प्रदर्शित किया गया है। इसकी लोकेशन को समझें कि यह कैसे अफगानिस्तान की सीमा के साथ साथ चलती है, जिसे हिमालय की हिंदू कुश श्रृंखला प्राचीन भारत की पश्चिमी सीमा का प्राकृत निर्माण करती है। कुछ प्रश्न आपसे भी करता हूँ, क्या आपको पंजाब के पूर्व में कोई नदी दिखाई देती है? भारतीय वेदों और पुराणों में इसे भारत का सप्त सिंधु क्षेत्र कहा गया है, तो क्या कोई 7वीं नदी भी थी? Kindly look out for the next episode on the same topic. Subscribe my channel.